क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 साइंस ग्रुप मैथ्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स पे पास्ट पेपर्स और 1500 सब्सक्राइबर्स पे गेस पेपर्स दिए जाएंगे। सो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2 फाइंड। तो सबसे पहला पार्ट जो है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। जैसा कि क्वेश्चन में है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो हम लिखेंगे वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इक्वल साइन, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल साइन लगाएं तो के कांस्टेंट आ जाता होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सो वाई इज़ इक्वल टू के एक्स एंड हमारे पास जो कंडीशन है फर्स्ट कि वाई की वैल्यू 8 है और एक्स की वैल्यू 2, तो ये वैल्यूज़ पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो के इज़ इक्वल टू 4 एंड इसके बाद अगर हम इक्वेशन 1 में k की वैल्यू 4 पुट कर दें तो y इज़ इक्वल टू 4x आ जाएगा। सो y इन टर्म्स ऑफ x इज़ y इज़ इक्वल टू 4x। नाउ इसी इक्वेशन में अगर हम सेकंड पार्ट के लिए x की वैल्यू 5 पुट कर दें तो y की वैल्यू 20 आ जाती है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में इसी इक्वेशन में ये y इज़ इक्वल टू 4x में y की जगह 28 पुट कर दें तो x की वैल्यू 7 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज़ इक्वल टू 7 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3 फाइंड। y इन टर्म्स ऑफ x, अगेन y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इक्वल का साइन लगाएंगे तो k कांस्टेंट आ जाएगा और इसके बाद y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3 हम पुट कर लेंगे। ये पुट करने पे k की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 में अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें तो y इज़ इक्वल टू 7/3x, सो इट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x। पार्ट 2 में हमने x की वैल्यू y 35 पे मालूम करनी है और y की वैल्यू x 18 पे मालूम करनी है। सो हम y की वैल्यू 35 पुट कर देंगे जो गिवन इक्वेशन है, इसमें 7/3 दूसरी तरफ जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 7/35 आपस में कट होंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5/3 = 15, सो x की वैल्यू 15। नाउ पुट x इज़ इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू 18 के लिए हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो y इज़ इक्वल टू 7/3x आई थी, इसमें x की वैल्यू 18 पुट कर देंगे तो 3/6 = 18, ये कट गया, तो 6/7 = 42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज़ इक्वल टू 5, t इज़ इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्शन r एंड t, आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 और t व्हेन r इज इक्वल टू 20। यानी पहले हमने क्या करना है कि r इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 8 पे इक्वेशन फाइंड कर लेनी है r और t की, और उसके बाद हमने r फाइंड करना है t की वैल्यू 64 के लिए और t फाइंड करना है r की वैल्यू 20 के लिए। सो विल स्टार्ट विद r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, अगेन इक्वल का साइन लगाएंगे तो k आ जाएगा, तो r इज़ इक्वल टू के टी। पुट r इज़ इक्वल टू 5 एंड t इज़ इक्वल टू 8, तो हमारे पास k की वैल्यू 5/8 आ जाती है। सो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें k की वैल्यू, तो r इज़ इक्वल टू 5/8 t आ जाएगा। नाउ अगर r इज़ इक्वल टू 5/8 t में t की वैल्यू 64 पुट कर दी जाए तो r 40 आ जाएगा, और अगर इसी इक्वेशन में r की वैल्यू 20 पुट कर दी जाए तो 5/8 दूसरी तरफ जाके 8/5 हो जाएगा और 8/4 = 32, सो t की वैल्यू 32 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड r इज़ इक्वल टू 8 व्हेन t इज़ इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन t इज़ इक्वल टू 6। सो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, r इज़ इक्वल टू k t स्क्वायर व्हेन r इज़ इक्वल टू 8, t इज़ इक्वल टू 3, इस पे हमने k की वैल्यू
फाइंड कर ली जो कि 8 ओवर 9 है. सो आर इज़ इक्वल टू 8 ओवर 9 टी स्क्वायर. ये हमारी आर विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन आ गई. सो पुट कर देंगे अब टी की वैल्यू 6. टी की वैल्यू 6 पुट करने पे आर की वैल्यू 32 आ जाती है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. v is equal to 5 when r is equal to 3. Find r when v is equal to 625. So v is directly proportional to r cube. हम यहाँ से start कर देंगे. उसके बाद v is equal to kr cube. Equal डालने पे k आता है. और v की value 5, r की value 3 put करेंगे तो k की value 5 over 27 आ जाएगी. So v is equal to kr cube में अगर हम 5 over 27 k की value put कर दें तो v is equal to 5 over 27 r cube आ जाता है. इस equation में अब चूंकि v 625 के लिए r मालूम करना है तो v की value 625 put कर दें. तो 5 over 27 दूसरी तरफ जाके 27 over 5 हो जाएगा. तो 27 over 5 into 625 तो ये कट के 125 हो जाता है. तो थर्ड रूट हम यानी क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे. तो r इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5 क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 आता है और 125 का 5 दरमियान में मल्टीप्लाई है इसलिए दोनों को अलग अलग से क्यूब रूट फाइंड किया जा सकता है. तो 3 इंटू 5 15 आ जाएगा. r की वैल्यू 15. If w varies directly as u cube and w is equal to 81, u is equal to 3, find w when u is equal to 5. तो सबसे पहले w is directly proportional to u cube. So w is equal to k u cube. So 81 और 3 value, w की 81 और u की 3 value put करके हम k की value find कर लेंगे. k की value 3 आ चुकी है. So 3 ये जो value है w is equal to k u cube में put कर देंगे तो w is equal to 3 u cube आ जाएगा. So now u की value 5 के लिए हमने w की value find करनी है जो कि ये है find w when u is equal to 5. तो w is equal to 3 into 5 की power 3, 3 into 125, so 375 आ जाएगा. If y varies inversely as x and y is equal to 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126. So यहाँ पे है कि inversely proportional है. So y is inversely proportional to x. So y is equal to k over x and y की value 7, x की 2 put की तो k की value 14 आ गई. यही value k की equation 1 में put करेंगे तो y is equal to 14 over x आ जाएगा और x की value 126 put कर दें तो y की value 1 over 9 आ जाती है. Question number 8 is if y is inversely proportional to x, y is equal to 4 when x is equal to 3, find x when y is equal to 4. So y is inversely proportional to x, y is equal to k over x. So when y की value 4 और x की 3 put करेंगे तो ये दोनों values put करने पे k की value 12 आ जाएगी. So y is equal to 12 over x, हमने y is equal to k over x में put कर दी है k की value. So y is equal to 24, y की value 24 put करेंगे तो x की value 1 over 2 आ जाएगी. Question number 9 is if w is inversely proportional to z when yani w is equal to 5 when z is equal to 7. तो हमने find करना है w when z is equal to 175 by 4. So w is equal to k over z. W की वैल्यू 5 और K की वैल्यू Z पुट करेंगे तो K की वैल्यू 35 आ जाएगी. सो K की वैल्यू 35 अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो W 35 ओवर Z के इक्वल आएगा. सो W की वैल्यू 175 ओवर 4 पुट कर देंगे, Z की वैल्यू 175 ओवर 4 पुट कर देंगे और ये डिवाइड हो रहा है उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 35 इंटू 4 बाय 175 कटिंग करेंगे तो 4 बाय 5 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू 2, आर इज़ इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन ए इज़ इक्वल टू 72. ए की वैल्यू 2, आर की 3 पुट करें तो हमारे पास के की वैल्यू 18 आ जाती है. सो 18 वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू 18 ओवर आर स्क्वायर और यहाँ पे ए की वैल्यू 72 पुट कर दें
तो सॉल्व करने पे हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो प्लस माइनस 1/2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4, फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8। सो ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो के की वैल्यू 48 आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट करते हैं तो ए इज इक्वल टू 48 ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बी की वैल्यू 8 पुट कर दें तो सॉल्व करने पे हमारे पास ए की वैल्यू 3/4 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब व्हेन वी इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 3, फाइंड वी व्हेन आर इज इक्वल टू 6 एंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 320। सो सबसे पहले वी इज इक्वल टू के आर क्यूब हमने इक्वेशन निकाल ली, वी की वैल्यू 5 पुट करेंगे, आर की 3 पुट करेंगे तो के की वैल्यू 135 आ जाएगी। ये के की वैल्यू 135 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो वी इज इक्वल टू 135 ओवर आर क्यूब आ जाएगा। अब अगर आर की वैल्यू 6 पुट करें तो वी इज इक्वल टू 135 ओवर 6 क्यूब आ जाता है। सो वी इज इक्वल टू 135 ओवर 260, सो वी की वैल्यू 5/8 आ जाएगी कटिंग करने से। वी इज इक्वल टू 320 पुट करते हैं अब तो 320 इस तरफ, आर क्यूब इस तरफ आ जाएगा तो आर क्यूब इज इक्वल टू 135/320। कटिंग करने से 27/64 आता है, क्यूब रूट ले लें तो 3/4 आ जाएगा। इफ़ एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड एम इज़ इक्वल टू 2, एन इज़ इक्वल टू 4, फाइंड एम व्हेन एन इज़ इक्वल टू 6, एन व्हेन एम इज़ इक्वल टू 432। सो एम इज़ इक्वल टू के ओवर एन क्यूब, एम की वैल्यू 2 पुट करें, एन की 4 पुट करें तो के की 128 आ जाती है और के की जगह हम 128 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो एम इज़ इक्वल टू 128 बाई एन क्यूब आ जाएगा। सो एन की वैल्यू 6 अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो एम इज़ इक्वल टू 128 बाई 6 क्यूब आएगा, 6 क्यूब टू 16 होता है, दोनों को कट कर दें तो 16/27 आ जाता है। इसके बाद एम की वैल्यू 432 पुट करेंगे तो 432 इज़ इक्वल टू 128 बाई एन क्यूब आएगा, एन क्यूब को लेफ्ट साइड पे ले जाएं मल्टीप्लाई हो जाएगा, 432 को राइट साइड पे ले जाएं डिवाइड हो जाएगा। सो एन क्यूब इज इक्वल टू 8/27 एंड क्यूब रूट ले लें तो 2/3 आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 समझ आ गई होगी। अगेन कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लाजमी दूसरे दोस्तों को बताएं, जानने वालों को बताएं ताकि ये लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मज़ीद एक्सरसाइजेस अपलोड की जाएं। 1000 सब्सक्राइबर्स पे पास्ट पेपर्स और 1500 सब्सक्राइबर्स पे गेस पेपर। आई गेस आपको पास्ट पेपर्स की बहुत जल्दी होगी, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।